नाउ द क्लियरेंस ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, ये क्या होता है? एक सब्सटेंस जो होता है, हम लोग पढ़े थे फार्माको डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में क्या होता था? डायनेमिक्स में हम लोग फार्माको डायनेमिक्स में क्या पढ़ते थे? रिसेप्टर और ड्रग का इंटरेक्शन, रिसेप्टर एंड ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, ये था डायनेमिक्स में। काइनेटिक्स में क्या था? काइनेटिक्स में था एडीएमई। एडीएमई में जो एक्सक्रीशन पार्ट है, ठीक है ना, दिस इज द क्लियरेंस, बाहर निकलना। ठीक है, मेटाबोलाइज हो गया लीवर में, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, और ये हो गया एक्सक्रीशन, दैट इज द क्लियरेंस ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ड्रग का अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो वो है, ठीक है ना, या फिर कोई भी नेचुरल बॉडी में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, उसको भी जो निकल रहा है ना, ठीक है ना, पर मिनट, इन 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम ऑफ दैट सब्सटेंस इन 1 मिनट। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, यूरिनरी कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, यूरिनरी कंसेंट्रेशन इन मिलीग्राम पर 100 ml, और यूरिनरी फ्लो रेट जो है वो कितना है, उससे हम लोग ये क्लियरेंस निकाले। ओके और यहाँ पे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के बारे में कुछ कुछ बताया गया है। ठीक है, तो जस्ट रहने दो अभी। ठीक है, इसमें क्लिनिकल है, यूरिन में क्या होता है, राइट? दो कंडीशन एक्चुअली, डायबिटिक इंसिपिडस और SIADH, ये सब तो डिटेल में अपने में ही एक टॉपिक है। ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ना होता है, बट यू मेक श्योर कि ये मैं श्योर करूंगा कि तुम लोग को ये समझ में आ जाए, लेकिन अभी इसको नहीं पढ़ना है। ठीक, हम लोग एक एक करके इसमें आएंगे, धीरे धीरे करके ये सब सब डिस्कस करेंगे क्या होता है। ऐसे कुछ कुछ हम लोग डिस्कस किए भी थे कि एफरेंट आट्रियोल में अगर कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, है ना, तो ये सब कुछ कुछ डिस्कस किए थे हम लोग, लेकिन अभी सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वेलकम टू इट अगेन। ठीक है, ना रीनल हैंडलिंग ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रीनल हैंडलिंग ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको किडनी किस तरह से हैंडल करता है, हम लोग यही पढ़ेंगे। आई ट्राई टू मेक इट कॉन्साइज। आई थिंक देखो यहाँ हाफ तक पहुंच गए हम लोग, हाफ में है। ठीक है, सो हाफ इज लेफ्ट, सो वी हैव टू स्पीड अप। ठीक है, मेरी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली कुछ देर बाद, मैसेजेस आ रहे हैं मुझे अलग से। तो रीनल हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि क्या होता है प्रोटीन्स में, अच्छा मैं एक दो चीज बता देता हूँ अभी। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट CHF एवरीथिंग इन लाइक 3 डेज, MI एंजाइना, राइट, इवन हाइपरटेंशन आल्सो, आई एम जस्ट नॉट एबल टू कंप्लीट इन 3 डेज। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिक्स पढ़े, बेसिक्स को बहुत क्लियरली समझने का कोशिश किए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक एक पर्टिकुलर डिजीज जो है उसको मैं उठाऊंगा। ठीक है, और उस पर क्या करूंगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक, और वीडियो को मैं सेल्फ रिकॉर्ड करूंगा, सेल्फ रिकॉर्ड, और उसको व्हाट नॉट फेसबुक, मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब में अपलोड करके उसका लिंक भेज देंगे, उसको तुम लोग अपने अकॉर्डिंग जब पढ़ने का मन करेगा, जितना पढ़ने का मन करेगा, जितना बार देखने का मन करेगा, उसको देख के समझ सकते हो। ठीक है ना, सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन। तो हम लोग जो नेक्स्ट जो वेबिनार का ये स्टार्ट करेंगे, उसमें सिर्फ हम लोग दो चीज लेंगे, एक कंडक्शन सिस्टम, कि कंडक्शन सिस्टम में क्या क्या होता है, ठीक है, और एरिदमिया, एरिदमिया। ठीक है, तो कंडक्शन सिस्टम में पहले जानना है कि नॉर्मल रिदम क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मल रिदम जान लेंगे तो फिर अरिदमिया पढ़ने में, टाइप्स ऑफ अरिदमिया, थोड़ा सा ECG के बेसिस पे भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट में एक वेबिनार हम लोग कंडक्ट करेंगे 2 से 3 दिन के लिए। ठीक है, सो अच्छा फिर जो एक्स्ट्रा चीज रहेगा उसको हम भी सेल्फ रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर देंगे। ठीक, तो बेसिक्स हम लोग इंटरेक्टिव कर सकते हैं इस तरह से वेबिनार में, और बाकी जो मुझे लगेगा कि नहीं इसको रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं तो उसको मैं रिकॉर्ड करके ही डाल दूंगा। तो एज पर कन्वीनियंट, सब लोग फ्री नहीं होते, सब लोग आ नहीं पाते, बहुत लोग ने मुझे बोला कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग इस टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं, कुछ
कुछ लोगों के एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम मंडे, तो वो लोग भी नहीं आ पा रहे. तो मैं बोला ठीक है चलो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा. सो दिस इज इट. ओके सो विल वेट फॉर 1 मिनट. ठीक है एंड देन वी विल स्टार्ट. जस्ट वेट, गिव मी 1 मिनट. अब टू मेक अ कॉल. हाँ